students, how are you? Hope all of you are fit and fine. So welcome to your online classes which is from Swasthik Academy. Now I will finish chapter 2 part 3 and we have done few points related to this chapter. The name of the chapter is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. Now Art of Dance. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. आर्ट ऑफ डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक डांस, साथ ही साथ हम लोग मणिपुरी डांस, ड्रामेटिक आर्ट्स, भवई, फोक डांसेस ऑफ गुजरात, ट्राइबल डांस, गरबा, रास और अदर डांसेस विच इज रिलेटेड टू गुजरात हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आप उसे ध्यान से सुनिए. आर्ट ऑफ डांस, द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य. Dance is one of the medium of realizing beauty with taal and lay. जो है हमारे संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है नृत्य यानी डांस, जो कि ताल और लय, रिदम और हारमोनी के साथ इसको हम पूरा मैनेज करते हैं. जो हमारे भगवान शिव थे उनको माना जाता है कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस और लॉर्ड शिवा, और शिवा इज देयर देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज, और इसीलिए उनको नटराज के नाम से भी जाना जाता है. ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन, वही इस पृथ्वी में सबसे पहले स्वर्ग से इसको लेकर आए थे इस डांस की कला को. बच्चों हमारे जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी, इसको हम शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनिए, फिर समझिए और बाद में हम आपको इससे रिलेटेड वर्क भेजने वाले हैं, आप उसे करिए. जो प्रॉब्लम हो तो हम आपकी उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तंजौर, तंजौर से माना जाता है विच इज इन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु का. सो इसके देयर आर टू बुक्स, नाट्य शास्त्र बाय भारतमुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर, इन दोनों के द्वारा बुक्स लिखी गई है विच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम, जिसको कि ओरिजिनल सोर्स माना जाता है भरतनाट्यम को. इसी साथ साथ गोपी कृष्णा एंड मृणाली साराभाई को के साथ साथ हमारे कौन कौन जो एक्ट्रेस लाइक वैजयंती माला, हेमा मालिनी, ये सभी लोगों को माना जाता है कि इन लोगों ने इस हेरिटेज को संभाल के रखा, हमारी इस डांस की कला को संभालने में इन लोगों का काफ़ी हाथ है. देन कुचिपुड़ी, दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th century. इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, डिफरेंट पोजेज एंड गेस्टर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स हू वन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस. बच्चों इसमें एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया है जो एक वुमेन है उसकी ब्यूटी के बारे में, उसको दोनों आदमी और औरत अलग अलग तरीके से उसको अपनी अपनी अटायर के साथ प्रस्तुतिकरण करते हैं. कुचिपुड़ी की जो फेमस, इसको फेमस माना जाता है आंध्र प्रदेश में, और गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू इसके वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने इस आर्ट को प्रिजर्व किया है, हमारी जो एंशियंट आर्ट है. नाउ कथकली, दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला. द वर्ड कथकली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक्स रामायण एंड महाभारत एंड मिक्स ड्रामा ऑफ संस्कृत एंड मलयालम. बच्चों एक कथकली जो है इसके स्टाइल का डांस जो बहुत फेमस माना जाता है केरला में, और कथकली की जो उत्पत्ति एक तरह से ये हमारे रामायण और महाभारत के समय से है, फिर मलयालम और संस्कृत में ज़्यादातर इसकी प्रस्तुतिकरण होता है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत जो ये कि हम देखते हैं कि इनमें बहुत ज़बरदस्त फेशियल एक्सप्रेशन को वो हमें डिस्क्राइब करते हैं. इसमें ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स पहने जाते हैं. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक, और जो क्राउन होता है वो भी काफ़ी आर्टिस्टिक होता है. द कैरेक्टर परफॉर्म्स इज अ डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेज ऑफ हैंड टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ द लोग, दे कम इन फ्रंट ऑफ द सन कर्टेन विद द लाइट ऑफ अदर मैडम ओनली पोएट ऑफ केरला श्री वल्लाजोर फाउंडेड द कलामंडलम ऑफ कथकली. जो इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा कलामंडल कथकली का इनके द्वारा माना जाता है, किसके द्वारा, पोएट जो कि श्री वल्लाजोर ने कहा कि केरला के, और साथ ही साथ कृष्ण प्रसाद एंड शिवरम रमन भी
काफ़ी फेमस नाम माने जाते हैं जिन्होंने कि अपने नेशन और वर्ल्ड वाइड इस कला का सबको प्रचार किया है। फिर है बच्चों कथक डांस। ये जो द लाइन कथन करे सो कथक कहवाए, जो कहे कथन करे सो कथक कहलावे, जो कि डिस्क्राइब करता है कथक डांस में इसी को। द कथक डांस नैरेट्स लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ये ज़्यादातर क्या ऑब्जर्व करता है, जो कि श्रृंगार भक्ति को ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। और इसमें वैष्णव कम्युनिटी के द्वारा इसको काफ़ी अपनाया गया था पहले से ही। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग एंड शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस। अपने वन लेग के द्वारा अलग अलग रेफरेंस ऑफ डांस को ये लोग डिस्क्राइब करते हैं। वुमेन जो है वो नैरो ट्राउजर्स के साथ प्रिंट फ्रॉक पहनती है। और ये डायम्स हैज बीन कैप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी। ये जो इतनी प्रसिद्ध हस्ती है कुमुदिनी लाखिया, ये लोग इस डांस को अभी भी नॉट ओनली नेशन वर्ल्ड वाइड उन्होंने हमारे इस कला का प्रचार किया है। मणिपुरी डांस, द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेशन एंड फेस्टिवल। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रासलीला और बाल लीला और श्री कृष्ण पे ही इसको बेस किया गया। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, रस्या एंड तांडव। जो प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज क्यूमिन एंड एट द सेम टैक्सेल ब्लाउज एंड अ बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट। इसको पूरी कमर के चादर पहने रहते हैं। गुरु अमोबे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता, इसके फेमस नाम है जो कि वर्ल्ड वाइड उनकी प्रसिद्धि है। ड्रामेटिक आर्ट बच्चों, जो संस्कार एंटरटेनमेंट है इसके यूनिक फीचर्स इसके ड्रामेटिक आर्ट के। अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउंस एंटरटेन ऑडियंस नाट्य शात्रा बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट ड्रामेटिक आर्ट। ये जो राइटिंग ऑफ ड्रामा परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विद ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है बच्चों। जो भरत मुनि से देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज मेकिंग द ड्रामेटिक आर्ट्स। इसके बारे में कहना है, फर्स्ट ड्रामा ऑफ भारत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। देवता और असुर के बीच के संग्राम को उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था। ही हैज राइट सो मैनी ड्रामास, ही हैज रिटन ड्रामास एंड द फास्ट पोएट। ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस पोएट विच इज हु इज रिलेटेड टू संस्कृत लिटरेचर। Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted us plays like Abhigyan, Shakuntala, Vikramavarsham and Malvika Agnimitram. And apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. Inke saath saath Jai Shankar Sundari is foremost in the dramatic art of Gujarat. Besides Amrit Nayak, Bapulal Nayak, Dina Pathak, Jaswant Thakkar, etc. are well-known names. Their contribution of regional and other drama institution is immense in worldwide. So now another is Bhavai. Bhavai dance. It is an emotion-oriented drama of Gujarat. Bhavai is performed without curtains, with high humor and accompanied by music played on trumpet. The characters are disguised in the form of Ramdev एंड काजरा। अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं इसके, इन कैरेक्टर्स को बॉय डांस में डिस्क्राइब किया गया है। रंगला रंगीली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड। ये जो भी है ये परफॉर्म करते हैं भवे को इसके साथ ट्रम्पेट एंड प्रेड टू द गॉडेस बाय हिम, रिसाइट करके क्या रिसाइट इन हिम्स। Now another is folk dances of Gujarat. There are varied dance forms belonging to different communities of Gujarat. These dance forms are according to the traditions and customs. Alag alag traditions or customs ko describe karte hain. Among them are tribal and folk dances, garba, ras and many more folk dances. Such art of dance can be seen at the times of festival, marriage and fairs. ये सारे टाइप्स के डांस हमारे अलग अलग समय में चाहे
फेस्टिवल्स हो, घरों में शादियाँ हों या कुछ फेयर शो में इनको परफॉर्म किया जाता है। नाउ ट्राइबल डांसेस, ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट टाइम ऑफ फेस्टिवल्स मैरिज फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेसेस, भगवानों को प्रसन्न करने के लिए इन्हें किया जाता है। बीज एंड कोलीज परफॉर्म तिप्पानी डांस ऑन अ स्टेज ऑफ थिक स्टिक व्हिच आर जॉइंड विद स्मॉल स्टिक स्ट्रक द ग्राउंड। बील और कोलीज परफॉर्म करते तिप्पानी डांस वो स्टेज में थिक स्टिक्स के साथ जॉइन किया जाता है स्मॉल स्टिक्स को और ग्राउंड लेवल पे इसको स्ट्रक करके इस डांस का परफॉर्मेंस दी जाती है बच्चों। साथ में गरबा, गरबा सब जानते हैं कि द वर्ड गरबा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप से आया है, यानी कि अदर लैंड इज प्लेस इन द होल अदर फॉर डांसर्स कीप इट ऑन देयर हैंड एंड मूव अराउंड इन सर्कल। गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल में काफ़ी समय से हमारे देश में और स्पेशली भारत में, तो इस भारत में और गुजरात में और वर्ल्ड वाइड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी खासियत है कि दिस डांस इज परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल्स। साथ ही साथ बच्चों इट इज परफॉर्म द ओपन ग्राउंड और लोग चारों तरफ घूमते हैं मांडवी के चारों तरफ और इसके साथ एक दूसरे का बीट्स और हैंड्स टू हैंड को होल्ड करके डांस की परफॉर्मेंस की जाती है। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएट विद कृष्णा भक्ति, भगवान कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई है। गुजराती पोएट जो दयाराम थे उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी गुजराती में जो कि रिलेट करती हैं लॉर्ड कृष्णा के लव को। नाउ रास, रास इज डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग, खाने के साथ इस डांस को गोल गोल घूम के परफॉर्म किया जाता है। देयर इज स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोटी नरसिंह मेहता एंड रास इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि, ये भी नवरात्रि के टाइम पे और जन्माष्टमी के फेस्टिवल के समय में किया जाता है। डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप, वो भी उसका एक ही पार्ट है। बट सम पीपल परफॉर्म रासा बाय प्लेसिंग अदर कॉर्ड्स ऑन देयर हेड, अपने सिर पे रखकर भी वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेट रासा हैज बिकम मोर पॉपुलर, ज़्यादा पॉपुलर हो गया। वुमेन वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडर्ड चनिया चोली एंड मेन वियर एम्ब्रॉयडर्ड केड़िया धोती व्हेन दे परफॉर्म, जब भी वो परफॉर्म करते हैं रास को। अब बच्चों हमारे बहुत सारे डांस हैं अलग अलग, उसके बारे में हम बताएंगे। हमारे गुजरात के गुंथन डांस, धमाल डांस ऑफ सिद्धीज, मेरियो डांस, फादर डांस एंड काली एंड मेल डांस। जो धमाल इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ सिद्धीज ओरिजिनली फ्रॉम अफ्रीका एंड नाउ लिविंग इन जामनगर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर। ये जो धमाल ट्रेडिशनल डांस ऑफ सिद्धीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ओरिजिनल दियार फ्रॉम अफ्रीका और वो अभी जामनगर विलेज में सेंटर ऑफ गिर में रहते हैं। द पीपल ऑफ बनासकांठा रीजन परफॉर्म मेरियो डांस, और जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के लोग वो मेरियो डांस को परफॉर्म करते हैं। द पीपल ऑफ पादार कम्युनिटी परफॉर्म डांस विद द रिदम एंड हारमोनी ऑफ डांडिया एंड मंजीरा, इस कम्युनिटी के लोग इस डांस को रिदम और हारमोनी के साथ डांडिया और मंजीरे के साथ भी इसको परफॉर्म करते हैं, डांडिया से भी प्रे करते हैं और विद मंजीरा ऑल्सो। फिर है बच्चों द कोली, द कोली ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मद्रासियो ऑन द हेड विद हेड गियर डेकोरेटिव विद एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर्स एंड टाई ग्रीन कलर बेल्ट, और इस तरह से इन सबको पहन के वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। देवर वेट ऑफ देयर ड्रेस वाइल्ड डांसिंग, तो डांस करते हैं तो अपने इस वेट को और वेस्ट के जिसे वेट कहते हैं वो अपने वेस्ट के चारों तरफ इस डांस के साथ वो लोग परफॉर्म करते हैं। इस तरह से बच्चों अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ डांस हमने डिस्क्राइब किए, आप और पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बुक से पढ़िए और कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए एंड आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।